हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, इस संसार के माया के नागपाश में, माया के दौड़ धूप में सब भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, माया के पीछे। किसी मानव की हम बायोग्राफी पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, गीता जी पढ़ लें, इससे मोक्ष मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मौत का शास्त्र हमें पढ़ना पड़ेगा। जीना है तो शिव के लिए जियो, नहीं तो जीना क्या जीना है। मृत्यु अटल सत्य है, इसका बोध करना है। जाना सबको है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। जैसे एक कंडा होता है, रोटी बनाने वाला वो जो, उसमें से बाल नहीं निकलता, कंडा टूट जाता है। हमें एक दिन मरना ही है, हमें ये शरीर छोड़ना ही है। इसी पे विराग बनाते हैं कि मौत को भी सेलिब्रेशन मोड पे रखना है, बाय बाय टाटा करके ही मरना है। दबे दबे पाओ मौत आती है आने दो। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ रही है, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत आ रही है। दबे दबे पाओ मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, जीवन का अंत नहीं। वस्त्र बदल जाते हैं देह बदल जाने दो, वस्त्र बदल जाते हैं देह बदल जाने दो, देह बदल जाने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है ज्ञानी मुस्काता है। आत्मा का जोरी ही सब कुछ करवाता है, ये आत्मा का जोरी ही सब कुछ करवाता है। कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, मन मत घबराने दो। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं मन को घबराना? क्योंकि जो हमारा जन्म का अंत नहीं है, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। जैसे हम वस्त्र बदल लेते हैं रोज, इसी तरह हमें चोला बदलना है। इसीलिए कहते हैं निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, ये निरंतर एक प्रोसेस है जो आत्मा को करते रहना है प्रभु के आदेशा और अनुसार। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़े, मौत की आहट लगे, इससे डरना नहीं घबराना नहीं, ये मौत का शास्त्र भी पढ़ना है। इससे ही प्रभु की कृपा मांगते रहेंगे, जब तक मौत का डर रहेगा प्रभु का नाम सिमरेंगे, प्रभु को याद रखेंगे। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव।